रोहतक में राष्ट्र देवो भव मिशन ने निकाली शोभा यात्रा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टिकाना सत बाबा सावल शाह ने किया आयोजन। शहीदों की प्रतिमाओं पर किए पुष्प अर्पित, युवाओं में दिखा तिरंगे के प्रति प्रेम। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में टिकाना सत बाबा सावल शाह द्वारा आज शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भिवानी स्टैंड स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से हुई। टिकाना सावल शाह के महंत प्रेमदास जी ने यात्रा का नेतृत्व किया। डेरे के बाबा सुखा शाह और बाबा हंसराज ने सभी शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। महंत प्रेमदास ने कहा कि सभी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करें जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान शहर में जितनी भी शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उन सभी पर माल्यार्पण किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुआ। हाथों में तिरंगा और हवा में गूंजते देशभक्ति के गीत, सभी ने भारत माता को स्वाधीन करवाने और स्वाधीन भारत आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाले सभी देशवासियों का आभार जताया। यात्रा का समापन डी पार्क स्थित बापू पार्क पर हुआ। सभी ने यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इस अवसर पर बाबा सुखा शाह ने यात्रा में शामिल सभी का आभार जताया। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डेरा बाबा सावल शाह की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मेरे सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत माता का गुणगान किया। ये शोभा यात्रा भिवानी स्टैंड से चलकर डी पार्क महात्मा गांधी जी की मूर्ति तक आई। इसमें मेरे सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं और गणतंत्र दिवस की सभी भाइयों को बधाई देता हूं। वंदे मातरम। शहर में आज निकाली गई इस शोभा यात्रा में रोटी डे के प्रधान दीपू नागपाल, हैप्पी बहल, कुणाल बिडलान, परमजीत पम्मी, मोहित मलिक, राजू विपिन शर्मा, सुखचैन, वीरेंद्र सचदेवा, प्रिंस सहानी, मयूर, नवीन गर्ग, गुलशन डंग, अमर अरोड़ा, दीपक पत्रा, हरीश शर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।